हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ओएस हमीद डार, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कश्मीर एंड कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट जीएमसी अनंतनाग। तो मेरी बेसिकली लोगों से अपील है कि इस टाइम अगर हम इस जो पैंडेमिक है, डेडली पैंडेमिक थ्रोट बोल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं पूरे इंडिया में तबाही मची हुई है और अब कश्मीर में भी केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में अब केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, सिम्टोमेटिक केस काफी ज्यादा हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले जो मेन इस टाइम हमें थ्रस्ट जिस पे देना चाहिए वो है सीएबी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसमें सबसे पहले आता है मास्क, यू हैव टू मास्क अप। तो अब जो रिकमेंडेशन है हर किसी इंसान को, जब भी वो घर से निकलेगा, पहले तो घर से निकलना है ही नहीं, जब भी वो घर से निकलेगा उसको H2 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। वो मास्क ऐसा होना चाहिए कि एक होनी चाहिए आपकी सर्जिकल मास्क, एक होनी चाहिए आपकी कॉटन मास्क, दोनों को मिला के आपको इसको यूज करना है, उससे आपको 88% प्रोटेक्शन मिलती है कोविड से। नंबर टू जो आपका है वो है हैंड हाइजीन, मतलब पर्सनल हाइजीन, हैंड हाइजीन हैज टू मेंटेन एट ऑल कॉस्ट्स। अननेसेसरी सरफेस पे टच नहीं करना चाहिए, आप बस में चढ़ेंगे, ऑटो में जाएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, दरवाजों को, बाथरूमों को अननेसेसरी टच नहीं करना है, और आप टच करते भी है उसके बाद आपने अपने आपको या तो साबुन से हैंड वॉश करना है या तो अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, और गंदे अपने गंदे हाथों से कभी भी इतना मास्क के बाहर के साइड को छुए, और जब मास्क निकालेंगे घर में जाके उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से उसको डिस्पोज ऑफ करना है, और अपने गंदे हाथों से नाक या चेहरे को या आंखों को बिल्कुल टच नहीं करना है। और चूंकि सबसे पहले मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी लोगों से, लेकिन हमें ईद पे जो है अननेसेसरी गैदरिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। गैदरिंग चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, या फ्रेंडली गैदरिंग हो, उनसे तो बिल्कुल आज अगर आपको बचना है यू हैव टू अवॉइड दीज गैदरिंग्स। उसके बाद जो हमारा दूसरा मुद्दा है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन जो है इट इज इफेक्टिव, क्वाइट सेफ एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन। तो जिसको भी वैक्सीनेशन का मौका मिलता है उसको जाना चाहिए और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। देर इज एप्लीकेशन, कोविन एप्लीकेशन, वहां पे आपको रजिस्टर करके आप इस जो वैक्सीनेशन का इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और वैक्सीनेशन इस टाइम वो एक चीज है जिससे हम इस डिजीज से बच सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोई पॉजिटिव होता है, हाँ वैक्सीनेशन के बाद भी इंसान पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसको जो डिजीज होगी वो बिल्कुल माइल्ड होगी या एसिम्टोमेटिक रहेगी। वो पेशेंट जिसने वैक्सीनेशन पहले ली होगी वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाता है एज पर द लेटेस्ट स्टडीज। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने वैक्सीनेशन ली, पहला डोज आपने लिया, तो उसके बाद भी आपको जो एसओपी है उनका पूरा भरपूर पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम आफ्टर वैक्सीनेशन टू गेट फुली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज। एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते लगते हैं सेकंड डोज के बाद टू गेट एडिक्वेट इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द डिजीज। सो चाहे आप वैक्सीन हो या ना हो, आपको एसओपी का बिल्कुल भरपूर जो है पालन करना है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि पैंडेमिक है, अगर किसी को भी घर में कोई सिम्टम्स है विच आर रिलेटेड टू दिस वेरी डिजीज, मतलब आपको फीवर है, डायरिया है, छाती खराब है, मसल पेन्स है, ज्वाइंट पेन्स है, बॉडी एक्स है, चेस्ट पेन है, तो ये सारे जो लक्षण है कोविड के हो सकते हैं। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव भी आता है उसके बावजूद भी आपको अपने घर में होम आइसोलेट करना है। होम आइसोलेशन कैसे करनी है, अगर आपके पास फैसिलिटी है बेहतर है ऐसा कमरा हो जिसके साथ अटैच बाथरूम हो उसका इस्तेमाल करें, ताकि उस रूम में कोई अननेसेसरी ना जा पाए। उसके बाद उस रूम की वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। उसके साथ जो उस बंदे का केयर गिवर होगा या उसकी नर्सिंग करता होगा, ही मस्ट बी वेल ड्रेस्ड, अगर उनके पास पीपी है पीपी का इस्तेमाल करें, और एटलीस्ट N95 और डबल मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि बाकी जो लोग हैं घर में वो इस डिजीज से बच जाए। बाकी विनती ईद पे फिर से और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी लोगों के साथ, प्लीज एंड प्लीज फॉलो एसओपी इन लेटर एंड सुप्रिंट।